हेलो डियर स्टूडेंट्स आर यू ऑल आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मृदंग का चैप्टर नंबर थ्री एनिमल्स एंड बर्ड्स एनिमल्स क्या होते हैं पशु और बर्ड्स होते हैं पक्षी सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ माय नेम इज़ जग्गू मेरा नाम जग्गू है आई लिव इन नागपुर मैं नागपुर में रहता हूँ कम विद मी मेरे साथ आओ I will tell you about the animals that live near my house. मैं आपको उन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के पास रहते हैं तो पिक्चर में देखिए ये जग्गू है और ये अपने आसपास के सभी एनिमल्स के बारे में आपको बताने वाला है दिस इज़ अ डॉग यह एक कुत्ता है इट लिव्स नियर द गेट यह गेट के पास रहता है These are कैट्स ये बिल्लियाँ हैं कितनी बिल्लियाँ हैं टू दे जम्प अप एंड डाउन इन दरेंडा ऑफ माई हाउस वरेंडा क्या होता है बरामदा ये मेरे घर के बरामदे में ऊपर नीचे कूदती रहती हैं दिस इज अओ यह एक गाय है इट ईट्स ग्रास ग्रास मीन्स घास यह घास खाती है दिस इज rat. यह एक चूहा है. द रैट इज वेरी स्मॉल चूहा बहुत छोटा है द कैट चेज इज द रैट चेज इज मीन्स पीछा करती है बिल्ली चूहे का पीछा करती है देन दीज आर मंकीज ये बंदर हैं. दे स्विंग एंड जम्प इन द ट्रीज स्विंग होता है झूलना और जंप मीन्स कूदना तो ये पेड़ों पर झूलते हैं और कूदते हैं देन देर इज अ फील्ड बिसाइड माई हाउस मेरे घर के साथ में एक खेत है फील्ड क्या होता है खेत देर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट स्नेक्स मीन्स सांप इसमें कुछ सांप हैं यू हैव टू वॉक Carefully in the field. Carefully means ध्यान से आपको खेत में ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि आपको सांप काट सकते हैं देन नाउ आई विल also टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर my हाउस अब मैं आपको उन बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें मैं अपने घर के पास में देखता हूँ दिस इज यह एक आ है इट इज ब्लैक इन कलर और ये कैसा है काला है दिस इज अ यह एक कबूतर है इट इज ग्रे इन कलर इसका कलर कैसा है ग्रे सलेटी दिस इज अ स्पैरो यह एक चिड़िया है इट इज अ स्मॉल बर्ड यह एक छोटा सा पक्षी है नाउ दिस इज अ पैरट यह एक तोता है इट इज ग्रीन यह हरे रंग का है एंड हैज अ रेड बीक और इसकी चोंच कैसी है रेड कलर की है बीक क्या होती है चोंच नाउ दिस इज अ पिकॉक यह एक मोर है इट हैज मैनी कलर्स इसके बहुत सारे रंग हैं आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स मैं एनिमल्स और बर्ड से प्यार करता हूं तो ये था हमारा चैप्टर एनिमल्स एंड बर्ड्स अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स फर्स्ट इज वरेंडा वरेंडा होता है बरामदा गाय रैट चूहा स्पैरो चिड़िया क्रो कौआ पीजन कबूतर स्नेक सांप फील्ड्स खेत पिकॉक मोर बीक चोच तो आप इनको लर्न करेंगे नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज लेटर्स स्पीक डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन दंगल क्या आप जानते हैं कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको देखो और उनके नाम बोलो

तो अब नीचे वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं सी ए पी कैप जे ए एम जैम पी ई एन पेन बी ई एल एल बेल अब इनकी लास्ट साउंड क्या है कैप की साउंड है लास्ट प जैम म पेन न बेल ल तो ये इनकी लास्ट साउंड है नाउ नेक्स्ट पेज टॉकिंग इन पेयर्स पेयर्स मतलब दो बच्चे एक साथ बात करेंगे तो पहला बच्चा क्या बोलता है चाइल्ड वन व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट पैरट का कलर क्या है तो सेकंड चाइल्ड बोलता है अ पैरट इज ग्रीन इन कलर पैरट का रंग हरा है देन चाइल्ड वन व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो क्रो का कलर कैसा है चाइल्ड टू अ क्रो इज ब्लैक इन कलर कौवे का रंग काला है देन चाइल्ड वन वॉट इज द कलर ऑफ अ रैट चूहे का रंग कैसा है चाइल्ड टू अ रैट इज ग्रे इन कलर देन चाइल्ड वन वॉट इज द कलर ऑफ अ पिकॉक मोर का कलर कैसा है चाइल्ड टू कहता है ओ इट हैज मैनी कलर्स इसके तो बहुत सारे कलर्स हैं नाउ फन टाइम कैन यू सी द एलिफेंट्स वेयर कैन यू सी देम क्या आपको एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ आप उनको देख पाते हैं पहला ये वॉल हैंगिंग पर दूसरा ये क्लॉक पर फूलदान पर बैग पर और ये पिलोज पर बेडशीट पर तो ये सारे एलिफेंट्स को आप सर्च करेंगे और सर्कल करेंगे तो ये था हमारा चैप्टर एनिमल्स एंड बर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय कीप लर्निंग